शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए गांव कस्बे में पहुंची डीएम एसपी का काफिला, लोगों को दिलाई शपथ। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी एसपी डीएम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में सहरसा जिले के बिहरा पंचायत के बसिया घाट इलाके में डीएम और एसपी का काफिला पहुंचा, जहां उस इलाके की सैकड़ों महिलाओं पुरुष के साथ एक बैठक आयोजित की और सभी को शराब का सेवन न करने और शराब न बेचने की शपथ दिलाई। लोगों ने भी शराब बेचने और शराब का सेवन न करने का शपथ लिया। ऐसे में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, एसपी लिपि सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, शराब शरीर के लिए काफी हानिकारक है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है और सरकार ने महिलाओं के ऊपर भी शराबबंदी कानून लागू किया और उसको सफल बनाना हम सभी का अधिकार है ताकि हमारा बिहार शराब मुक्त हो सके। हानिकारक है, उससे जुड़े हुए जो कानूनी आयाम हैं और अगर उससे जुड़े हुए लोगों को कोई भी अन्य लाइवलीहुड के लिए हमें जोड़ना, तो जीविका के माध्यम से हम सभी को एक दूसरा लाइवलीहुड देंगे, एक दूसरा उनके जीवन, उनका जो जीवन जीने का तरीका उसको चेंज करना है और इससे रिलेटेड सरकार से जितनी भी बातें हैं उनके बीच में आके उनसे अनुरोध के माध्यम से कि वो इसको अपने आप से शराब को एकदम दूर रखें और इसकी कानूनी कार्रवाई से अपने आप को बचाएं ताकि उनके और उनके जीवन को हम लोग सही कर सकें। बिहार में पूर्ण तो शराबबंदी तो है और हम लोग कंटिन्यूस रेट वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई भी स्कीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है, लॉ सक्सेसफुल हो सकता है जब लोगों के अंदर से भी जागरूकता आए। तो हम लोग यहाँ पे आकर के उनको बताए हैं कि जो शराब है उसके कितने नुकसान है, ना तो सिर्फ पी जाना पड़ता है बट उसके जो आपके हेल्थ के पैरामीटर्स है, जो फाइनेंशियल स्थिति भी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को शपथ भी दिलाई है कि लोग शराब के कारोबार से, उसके सेवन से दूर रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि बसिया घाट से हम लोगों को शिकायतें अब नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा इन लोगों ने आश्वासन दिया है। ब्यूरो शिव कुमार भगत की रिपोर्ट।